इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से अभियान करे हुमायूं ने अपने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए। ठीक है, हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम यहाँ बात कर रहे थे हुमायूं की। तो हुमायूं की हमने एक तो जीवन परिचय की पूरी बात कर चुके हैं एक बड़ी वीडियो में। यहाँ हम देख रहे थे कि कैसे लड़खड़ाता हुआ हुमायूं जो था उसने पूरी मुगल सल्तनत में लड़खड़ाते हुए रहा और लड़खड़ाते एक्सपायर हो गया। तीसरी वीडियो एक हमने चर्चा करी थी, जैसे सिंहासन आरूढ़ हुआ हुमायूं क्या क्या समस्याएं उसको सामना करना पड़ा समस्याओं का, तो सारी हमने समस्याओं पर चर्चा कर ली थी। फाइनली इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से अभियान करे हुमायूं ने अपने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए। ठीक है, सो हम यहाँ अभियानों की बात कर रहे हैं। किसके? हुमायूं के अभियान। क्या? हुमायूं के अभियानों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अभियानों लिख दो। चलो, कौन कौन से अभियान थे एक तो मैं पहले नाम बता दे रहा हूँ, फिर एक एक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैठते ही तो षड्यंत्र हो ही चुका था, वो तो उस पर हम काम नहीं करेंगे। पहला मतलब जो मेहंदी ख्वाजा का षड्यंत्र था उस पर। ठीक है, उसके बाद इनको सबसे बड़ी जो पहली समस्या रही कलिंजर की रही। क्या रही? कलिंजर। कलिंजर का किला, कलिंजर दुर्ग अपराजेय दुर्गों में से एक दुर्ग माना जाता है कलिंजर का। ठीक है, सो कलिंजर का अभियान इन्होंने किया। क्या था हम पूरी चर्चा करेंगे। कलिंजर का अभियान 1532 के बाद। ठीक है, कलिंजर के बाद इनको कुछ और दूसरी चीज आई, मैं बता देता हूँ। आगे अपन पूरी कहानी डिस्कस एक एक करके करेंगे, लेकिन हाँ, महमूद लोदी का नाम आपने सुना होगा। महमूद लोदी, क्या नाम है? महमूद लोदी। तो महमूद लोदी से संघर्ष, ये भी 1532। महमूद लोदी से संघर्ष के बाद यही अचानक इनके संघर्ष को निपटाया ही था कि खबर मिली कि इनके भाई ने बगावत कर दी, तो कामरान का विद्रोह 1532। कामरान के विद्रोह के बाद कामरान को ठीक किया, समझाया, सारी चीजें। उनने देखा कि भैया चुनार का भी एक विद्रोह हो रहा है, तो चुनार का संघर्ष 1532। पांचवें नंबर पे हम अगर चर्चा करें तो मिर्जाओं का विद्रोह, मिर्जाओं का विद्रोह। ठीक है, ये 1534। मिर्जाओं मतलब वही मैंने बताया था पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो, उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन लोग, तो इनके जो संबंधी लोग थे, बाबर के संबंधी या इनके जो फूफा चाचा मामू सब वही लोग कर रहे हैं सारे, है ना, बहनोई भी थे इनके। ठीक, चलिए, मिर्जाओं के बाद इधर गुजरात के जो शासक थे, गुजरात के शासक से अभियान जो उनके खिलाफ किया, ये 1535-36 की बात मान लेंगे हम, 1535-36। इसी समय फिर थोड़ा ताकतवर हो गया शेर खां, तो शेर खां के अभियान। ठीक है, सो शेर खां के विरुद्ध अभियान जो इन्होंने करे हैं वो 1536 से ही स्टार्ट हो गए थे, 1540 तक के अलग अलग रहे हैं, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख लो कि टोटल अभियानों में शुरुआत से ही अंत तक का सफ़र, फिर एक आखिरी जो अभियान रहता है या युद्ध होता है वो तो सरहिंद वाला रहता है, और वापस से विजय पताका लहराते हैं ये मुगल सल्तनत की। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ अभियान हम डिस्कस करने वाले। चलो जल्दी जल्दी एक एक पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कलिंजर की। कलिंजर, कलिंजर जो है, मैं लोकेशन अगर बात करें तो कलिंजर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आपने नाम सुना होगा बांदा का, बांदा,
महोबा का नाम सुना होगा, महोबा बांधा है ना। सो ये सिंधी लोगों का शासन चलता था बहुत पहले प्राचीन भारत में उस समय, या मध्यकालीन में भी चंदेला, आपने खजुराहो के मंदिर के नाम सुने होंगे, तो वो पूरा वही जगह है जहाँ चंदेलों के द्वारा वहाँ शासन किया गया था। तो बांदा उत्तर प्रदेश में है, उस बांदा जिले में पड़ता है ये कलिंजर का दुर्ग, ठीक है, कलिंजर का दुर्ग। उस समय तक राजधानी थी, सब कुछ था, तो कलिंजर के राजा जो है, ये उत्तर प्रदेश लिख लेना है ना ताकि याद रहे आपको, कलिंजर के राजा थे रुद्र प्रताप। क्या थे? रुद्र प्रताप। ये उत्तर प्रदेश ही है बांदा, है ना। और इसके पास क्या हुआ कि रुद्र प्रताप भाई, एक और कहानी में थोड़ी सी और पहले बता देता हूँ, बेस बता देता हूँ कि कलिंजर पे हुमायूं के पिताजी ने भी आक्रमण करा था, कोशिश करी थी, घेरा डाला था, लेकिन महीने भर के, दो महीने के घेरा डालने के बाद वो जीत नहीं पाए। किसको? कलिंजर के किले को, रुद्र प्रताप को। बाद में वापस आ गए, तो ये बेवकूफ़ी थी, ठीक है। अब इनने सोचा कि पिताजी का जो पूरा काम हो नहीं पाया उसको पूरा करेंगे, तो चाह तो रहे थे और मौका भी मिल गया, मौका और दस्तूर भी मिल गया। वो हुआ कुछ ऐसा कि ये जो रुद्र प्रताप थे, ये कलिंजर के राजा थे, इनने थोड़ा सा आगे जाके कोशिश करी कालपी को जीतने की। कालपी, कालपी भी उत्तर प्रदेश में ऊपर की सीमा। अब कालपी ये पहुंचेंगे तो जौनपुर के आगे टकरा टकरू के, मतलब इनके राज्य के पास बाउंड्री, अब ये टकराने लग गए। कौन? कलिंजर के राजा रुद्र प्रताप। कालपी पे इनने अभियान किया, कालपी जीता। कालपी जीतने के बाद इनके और मंसूबे बढ़ गए रुद्र प्रताप के, कि चलो और आगे पहुंचेंगे। अब ये तो हमारे लिए खतरा है, हमारे मतलब हुमायूं के लिए खतरा है। सो भैया इनने 1532 में, क्या 1532 में पहुंच गए सेना लेके कहां? कलिंजर। कलिंजर पहुंचे, फिर घेरा डाला। अपराजेय किला है भैया, वो जीता नहीं गया अच्छे अच्छे लोगों से, तो ये अयोग्य व्यक्ति से कहां से जीत लिया जाएगा, ठीक है। कलिंजर में इनने घेरा डाला महीने भर, दो महीने हो गए, इनने कहा अब ना हो पाएगा, कोई मतलब है नहीं, जीत पा नहीं रहे, जा पा नहीं रहे, करेंगे क्या, इधर रसद भी खत्म हो जाएगी, खाना आना सब खत्म, अब क्या करेंगे। सो फिर फाइनली बेइज्जती करवा के वापस आ गए, इनसे समझौता कर लिया रुद्र प्रताप से, और शुरुआत ही कैसी हो गई, बेइज्जती वाली हो गई, समझौता करने के बाद वापस आ गए, तो ये नहीं जीत पाए कलिंजर। लेकिन कलिंजर के समय ही क्या हुआ कि अचानक, अचानक बात करी जाए तो इसी समय महमूद लोदी का नाम आपने सुना होगा, महमूद लोदी। महमूद लोदी को हमने बताया था कि ये इब्राहिम लोदी का भाई था, और भाई चाह रहा था दिल्ली सल्तनत की गद्दी। अब गद्दी तो चाह रहा था, तो महमूद लोदी ने बंगाल के जो शासक थे, बंगाल के शासक कौन, बंगाल के शासक थे उस समय नुसरत शाह, ठीक है, नुसरत शाह। नुसरत शाह के बाद महमूद शाह आ जाएंगे, है ना, महमूद शाह, ठीक है। तो नुसरत शाह ने इनको सपोर्ट देने की पूरी इच्छा जाहिर कर दी कि चलो ठीक है, सपोर्ट करने लग गए सारा। अब इनके साथ ये भैया बंगाल के पास से निकल के ही अटैक करने का सोचे। कौन? कौन? महमूद लोदी। अब महमूद लोदी जब आक्रमण करने पहुंच रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि भैया हुमायूं भी अपनी सेना लेके पहुंचे, ओ हुमायूं भी पहुंचे, तो 1532 में ही, कहां 1532 में इन दोनों की सेनाएं आपने सामने टकराई, युद्ध हुआ, महमूद लोदी हार गए। महमूद लोदी हारे तो भाग के बच निकले, और निकल लिए तेज से पतली गली से, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, सदा के लिए महमूद लोदी का डर इन्हें खत्म हो गया, क्योंकि हार गया आदमी। अब हारने वाला व्यक्ति थोड़ा कोशिश ये करता है कि यार अब दोबारा ऐसे पंगल ना लिया जाए अब सारा। सो महमूद लोदी हार गए, भाग गए बंगाल के राजा। इनने सख्त हिदायत दे दी नुसरत शाह को कि भैया तुम देख लेना, नहीं तो तुम समझ लेना, हुमायूं ने, कि तुमको सही से रहना है कि नहीं रहना है, रहना है तो फिर हमारे साथ मिल के रहो, इस व्यक्ति को भगा दो, और इसको सपोर्ट अपोर्ट मत करना, नहीं तो कुटोगे। तो इनने वादा कर दिया, ठीक है भैया हम नहीं करेंगे। अब महमूद लोदी का मामूल खत्म। जैसे ही महमूद लोदी को क्या कर रहे थे आप, हरा के पहुंचे और वापस सुन ही रहे थे कि अचानक से ये हुआ कि आपको खबर मिली कि इनका जो बड़ा भाई था, इनका बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन इन भाइयों में जो बड़ा था कामरान, है ना, हुमायूं से तो छोटा था कामरान को, अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इनने अपना साम्राज्य विभाजित जो किया था, तो काबुल और कांधार वाला प्रांत दे दिया था, काबुल और कांधार,
ठीक है, काबुल कांदर। अब ये भैया कामरान जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति था तो अयोग्य ही, लेकिन इसने क्या किया, काबुल कांदर के बाद आके मतलब पंजाब में आ गया, है ना। सो पंजाब के प्रांतों को इसने जीतना चालू कर लिया, अधिकार कर लिया। जब पता चला हुमायूं को, तो हुमायूं भागते भागते महमूद के बाद से वहां पहुंचा। अब पहुंचा तो भाई, भाई तो भाई ही है, क्या करें, गलती है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो इसके चलते भाई ने बोला कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए पंजाब का प्रांत, तो तुम हमको दोगे। हुमायूं ने कहा भैया ठीक है, रख लो यार, अब क्या करें, पिताजी से हमने वादा जो कर लिया था, नहीं तो तोड़ तो तुम्हें हम इधर ही देते। पिताजी के वादे के कारण इनने उससे लड़ाई नहीं करी, माफ कर दिया और साम्राज्य पंजाब का भी दे दिया, किसको, कामरान को दे दिया। अब जैसे ही ये हुआ तो अस्करी और इंदाल भी तो चाहेंगे ना कुछ कि अब हम भी तो पानी कर लें, ठीक है। सो ये बात कब की है, 1532 की। 1532 में बहुत सारी उथल पुथल ही हो रही थी कि इसी उथल पुथल के समय चुनार, किसकी, चुनार की हम बात कर रहे हैं, चुनार जो जगह है, चुनारगढ़ भी बोलते हैं इसको, चुनारगढ़ जो है ये पड़ेगा मिर्जापुर का नाम सुना है क्या आपने, मिर्जापुर सीरीज तो देखी ही होगी, है ना, उत्तर प्रदेश का ही है मिर्जापुर। मिर्जापुर में पड़ता है चुनार का किला या चुनारगढ़। सो भैया चुनारगढ़ पे कब्जा कर लिया उस समय शेर खां पे, शेर खां का नाम सुना ही होगा, अभी आएंगे बड़ी पिक्चर में ये। सो शेर खां ने चुनारगढ़ पे कर लिया कब्जा, चुनारगढ़ पे कब्जा कर लिया था, उसके अधीन था, और इसी पे से क्या हुआ कि भाई हुमायूं पहुंचे और चुनारगढ़ में युद्ध करना चालू। युद्ध हुआ, 3 महीने तक तो सेना आमने सामने डटी रही। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं तो युद्ध तो करना ही था, युद्ध करा। अब शेर खां की सेना कमजोर थी उस समय, हार गए भाई साहब, हार गए तो फिर अब इन्हें संधि करनी पड़ी, वार्षिक कर जो देना होता है, टैक्स देना होता है, उस पर बात छिड़ी कि भैया आप पैसे दोगे हमको हर साल और हमारे अधीन रहोगे। शेर खां ने देखा कि मौका है, दस्तूर है, अभी भैया गर्दिश में है सितारे तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, बाहर है चमन में तो आने दो फिर बताते हैं। सो अभी गर्दिश के सितारे चल रहे थे, किसके, शेर खां के, और बाहर है चमन में हुमायूं की चल रही थी, उल्टा होने वाला है, ठीक है। गर्दिश में सितारे किसके हैं, शेर खां के। शेर खां ने हार मान ली, बोले ठीक है महोदय, जो कहोगे वैसे ही होगा, हम आपको ही क्या देंगे, सारा टैक्स देंगे, साल भर का ऋण देंगे, आप बड़े आदमी हम छोटे आदमी, कोई समस्या नहीं। ये गलती है किसकी, गलती है हुमायूं की, ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं तो साम्राज्य पलट दिए, और यही तो होता है। चलो शेर खां ने अभी गलती मान ली, लेकिन उसको मौका मिल गया किसका, तैयारी करने का। और अब वो समझदार व्यक्ति तो है ही, बड़ा भी था, एजेड भी था, सब कुछ था, और घाट घाट का पानी भी पिया हुआ था। एक नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपको शेर खां के बारे में, पूरा जीवन परिचय देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो शेर खां ने भैया यहाँ तो हार मान ली, लेकिन अपनी तैयारी चालू करी, और वो तैयारी के बाद आएगा, अभी आएगा। तो ये चुनार का इनने संधि कर ली, जीत गए, शेर खां हार गए, टैक्सेशन की बात हुई, बात खत्म। यहां सब होने के बाद माहौल ऐसा उलझा कि भैया जो इनके रिश्तेदार थे मिर्जा, सो मिर्जाओं ने विद्रोह किया, कौन कौन से मिर्जा थे, हमने एक बार चर्चा करी ली थी, एक तो मेहंदी ख्वाजा की शुरुआती, ठीक है, मेहंदी ख्वाजा ये वो होते ना फूफा समझते हैं ना, है ना, वो फूफा ही थे ही इनके, मेहंदी ख्वाजा किसके, हुमायूं के। इनने शुरुआत में षड्यंत्र कर ही लिया था और छुटपुट हरकतें कर रहे थे, इन्हें हटा दिया। दूसरे व्यक्ति की हमने चर्चा करी थी, एक जमान मिर्जा, क्या नाम है, जमान मिर्जा भैया हैरात के राजा थे और इनके बहनोई थे, किसके, हुमायूं के। सो जमान मिर्जा, इनको भैया बिहार का पहले सूबेदार बनाया था, है ना, बिहार का सूबेदार बनाया, तो ये माने नहीं, बिहार के बाद इन्हें जौनपुर का भी बना दिया, ठीक है। क्यों बना दिया जौनपुर का, हमने अभी चर्चा करी थी महमूद लोधी वाली, महमूद लोधी ने जौनपुर पे ही आक्रमण किया था, उस समय जैनुल करके इनका सूबेदार था वहां पे, है ना, जैनुल को तो फोड़ दिया था किसने, महमूद लोधी ने, इसीलिए उसको दबाने आए थे, फिर इनको हराया, फिर भगाया, तो महमूद लोधी का किस्सा खत्म। तो अब जौनपुर वापस इनके कब्जे में आया, अब जौनपुर पे कुछ तो करना पड़ेगा, सो जौनपुर का इनको बना दिया क्या, जमान मिर्जा को सूबेदार। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा अब भी नहीं मान रही है, कह रहे अब और आगे जाना है। सो इनने किसको मिला के, सुल्तान मिर्जा, एक और व्यक्ति थे हमने बात करी थी, सुल्तान मिर्जा, ये तैमूर के वंशज थे, तैमूर मिर्जा को साथ मिला के
इन दोनों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ युद्ध होगा। कब की बात है ये, 1534 की बात है, 1534। अब भैया विद्रोह हुआ, लड़ाई हुई, ये पहुंच गए हुमायूं अपनी सेना लेके, ये अपनी सेना लेके पहुंच गए बाबर कोटारा हुआ, दोनों लड़ाई झगड़ा हुआ, आखिरकार बड़ी सेना थी हुमायूं की सो जीत गए। इन दोनों को बंदी बना लिया गया। जब इन्हें बंदी बनाया गया तो जमान मिर्जा भाग जाते हैं, इनको मौका मिलता है, सुल्तान मिर्जा नहीं भाग पाते और सुल्तान मिर्जा टें बोल जाते हैं वहीं। अब ये जमान मिर्जा जब ये भाग गए तो ये भागे इतनी दूर कि बड़ी दूर भागे, पहुंच से दूर भागेंगे, बंगाल का शासक तो देख लो भाई। अब उस समय की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति कुछ इस टाइप से थी कि ये ऐसा होना चाहिए है ना, ये वाला जो पोर्शन है बंगाल वाला, यहाँ पे कौन है, नुसरत शाह था, नुसरत शाह है ना, नुसरत शाह सपोर्ट किसका कर रहा था, महमूद लोदी का, किसका, महमूद लोदी का है ना, ये नुसरत शाह बंगाल वाला। इस साइड ये गुजरात और मालवा वाली इस जगह पे बहादुर शाह, क्या नाम है, बहादुर शाह। बहादुर शाह ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी जैसे ये महमूद लोदी तो भाई था, इनके जो चाचा थे आलम खां है ना, सो आलम खां को सपोर्ट करके रखा था। और अभी अभी क्या होगा, अभी मिर्जाओं का जो युद्ध हुआ और जमान मिर्जा भाग गया ना, सो भाग के कहाँ पहुँचेगा, इधर ही पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, जमान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा की तो ख़त्म हो गई कहानी, ठीक है। अब देखना भैया, समस्या कुछ ऐसी थी कि ये बाद में महमूद लोदी को हरा देते हैं और नुसरत शाह से तो संधि कर लेते हैं, उनकी बात मान जाता है कौन, नुसरत शाह हुमायूं की, और अब वो सपोर्ट नहीं करेगा, ये गड़बड़ वाली बात हो गई। इसका फ़ायदा, नुसरत शाह के बाद महमूद शाह आ जाएंगे यहाँ पे शासक है ना, कौन आएंगे, महमूद शाह। तो महमूद शाह को तो भगा भगा के मारेगा कौन, अभी शेर खां, अभी अगले नंबर पे शेर खां ही आएगा, डोंट वरी। तो याद रखना ये नुसरत शाह के बाद महमूद शाह को हरा देगा, पूरा बंगाल बिहार उसके कब्जे में आ जाएगा, किसके, शेर खां के। इसको हम रिवाइज कराएंगे, अभी कौन है, बहादुर शाह की कहानी बता रहे हैं हम, क्योंकि अगला हमें अब बहादुर शाह के खिलाफ लड़ना है। तो जवान मिर्जा भाग के कहाँ पहुँचे, बहादुर शाह के यहाँ। अब बहादुर शाह के यहाँ पहुँच गए, अच्छा शासक था गुजरात मालवा, अच्छा खासा प्रदेश था उस समय है ना, और वो करेंटली राजपूताना पे भी कब्जा करने की सोच रहा था। इधर की ये पूरी व्यवस्था भी किसकी है, हुमायूं की चल रही। तो भाई साहब अगला युद्ध कहाँ होना है, क्योंकि अब मौका मिल गया है आपको बहादुर शाह से बोलने का। हुमायूं पहुँचे, बहादुर शाह को पत्र भिजवाया कि सुनो भैया, जो युद्धबंदी होते हैं, युद्धबंदी हमारे क्या हैं, वो दुश्मन है, आपने उसको शरण दे के रखी है, तो कायदे प्लस कानून से हम बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को छोड़ दो, हमारा आपसे तो कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं भाई, आप अपना साम्राज्य करो, राज्य करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस व्यक्ति को जो भाग के आपके शरण में आया है उसको छोड़ो, उसको हम फोड़ेंगे। बहादुर शाह ने कहा, भाई कैसी बात कर रहे हो बे, शरण हमें, हम अगर लेना ही नहीं होता तो हम बुलाते ही गाय को, या उसको रखते ही गाय को, पहले ही भगा देते कि निकल, हमें नहीं लड़ना। अब वो आ गया शरण में तो आप नहीं छोड़ रहे। हुमायूं ने कहा ऐसी बात है, कहा हाँ ऐसी बात है, बोले रुक जाओ आते हैं, ठीक है आ जाओ। अब भैया गुजरात के शासक है बहादुर शाह, तो ये बात 1534 में क्या किया था, मिर्जाओं ने विद्रोह किया था, पकड़े गए थे सब कुछ, तो 35 के आसपास भैया ये शरण में पहुंच गए थे, ठीक है। तो 1535, अब ये इनने बातचीत करी, सब लड़ाई के लिए आएंगे, तो फरवरी 1534 में ये हुमायूं निकलते हैं पूरी अपनी सेना लेके, कहाँ पहुँचेंगे, उज्जैन, कहाँ पहुँच रहे, उज्जैन पहुँचेंगे। उज्जैन पहुँचे तो इनको पता चला कि भैया बहादुर शाह तो जो है वो है ही नहीं यार, जहाँ होना चाहिए था। अच्छा बोले कहाँ है, उन्होंने कहा वो तो लड़ रहा है उधर चित्तौड़ में, यहाँ पे, ठीक है, किससे लड़ रहा है, वही राणा सांगा, हमने बात करी थी राणा सांगा जो व्यक्ति है संग्राम सिंह, सो राणा सांगा ने तो लड़ाई करी थी बावर से और हार गए थे, और हारने के बाद में फिर लड़ने जा रहे थे, वैसे ये कहाँ के खाते पाँव था नहीं, उसके बावजूद भी भैया वो लड़ने पहुँच रहे थे, तो सेनापति ने मार दिया कि भैया तुम रहने दो, तुम तो मर आज निकल लोगे, हमें जल्दी निकलवा दो, हैं मान ही नहीं रहे थे वो। तो राणा सांगा की जो बीवी थी भैया, पत्नी जो थी उनकी, रानी कर्णवती, क्या नाम है, कर्णवती, कर्णावती भी इनको बोलते हैं। अब कर्णवती, अब इनके जो बेटे थे विक्रमादित्य, इनके बेटे अगले शासक बन गए थे भाई मेवाड़ के चित्तौड़ के, सो विक्रमादित्य ने क्या किया कि यार बहादुर शाह से संधि कर ली, डर गया बहादुर शाह से,
उनके पिताजी ने ऐसी लड़ाई करी थी कि भैया वो इतिहास में विख्यात हो गए। अब विक्रमादित्य ने संधि कर ली इस व्यक्ति से, युद्ध के भय से, लड़ाई के भय से, मृत्यु के भय से, तो इनकी माँ ने कहा अभी कैसे आदमी को जन्म दे दिया मैंने, बेइज्जती करवाऊंगी क्या अपनी में। सो इनने बाकी के लोगों को समझाया कि सुनो देखो ये व्यक्ति तो है बेवकूफ, इस पे तो कोई मतलब का है नहीं, दिमाग विमाग है नहीं, ऐसा तो ना इनके पिताजी ने किया, ना दादा ने किया, किसी ने नहीं किया, ना इनके बेटे करेंगे, यही बस बेवकूफ निकल गया, छोड़ो। तो बाकी लोगों को इनने समझाया कि नहीं भैया हम किसी का अधिकार तो रहते ही नहीं, अधिकार के अंदर राजपूत लोग हैं भाई, मर जाएंगे शान में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के अधीन नहीं रहना। हाँ यार बात तो ठीक है। सो इनकी सेना ने कर दिया आक्रमण, किस पे, बहादुर शाह भी पहुंचे भाई। उनने कहा कि यार ये तो गलत बात हो गई। तो बहादुर शाह इधर पहुंचे, चित्तौड़ का घेरा लगा के बैठे हुए थे, बैठे ही थे घेरा लगा के। अब इतने में ये हुमायूं भी लड़ने पहुंच ही रहा था बहादुर शाह से, है ना, क्योंकि वो उसने युद्धबंदी को शरण दे दी थी। अब भैया इस कारण से ये उज्जैन पहुंचे, ने पता चला ये तो चित्तौड़ में। अब चित्तौड़ में भैया रानी कर्णवती महिला है और वो युद्ध का नेतृत्व करेंगी, और जौहर होगा। कर्णवती को लगा कि भैया छोटी सी सेना है अपनी, बहुत बड़ी सेना बहादुर शाह की, क्या किया जाए, हार तो निश्चित है, लेकिन ठीक है चलो कोशिश करते हैं। तो कर्णवती ने भैया एक राखी बनाई बहुत अच्छी सी, और कहां भेजी, हुमायूं के पास, और उनसे कहा कि देखो हम आपको राखी भेज रहे हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से अगर राखी भेजी जाती है एक महिला के द्वारा किसी पुरुष को, तो उनमें संबंध भाई बहन का हो जाता है, इसके हिसाब से आपकी बहन जो है अभी विपत्ति में है, और एक भाई का फर्ज जो बनता है कि अपनी बहन की रक्षा करेगा, तो वो फर्ज आपको निभाना चाहिए। हुमायूं ने माना कि यार बात तो सही है, उन्हें स्वीकार करी, राखी भी स्वीकार कर ली, बोले रुक जाओ ठीक है आते हैं। अब भागते हुए उज्जैन से ये पहुंचे सारंगपुर, कहां पहुंचे, सारंगपुर पहुंचे, और ये बात जब तक पता चल गई बहादुर शाह को कि यार ये तो लड़ना तो था ही इससे, लेकिन अभी इस समय पे गलत समय पे आ रहा है, तो यार दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, वो भी समस्या, और मौका दस्तूर तो हो ही गया है, रानी कर्णवती ने राखी भी पहुंचा दी, और वो तो उनकी साइड से लड़ेगा, तो अपन तो कुटेंगे, भंवर कुटेंगे, हाँ क्या किया जाए। इनने पत्र लिखा, महोदय हुमायूं ठीक है हमें मतभेद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत बढ़िया है सारी चीजें हैं, लेकिन ऊपर वाले की दया से हम दोनों इस्लाम को मानते हैं, और इस्लाम के हिसाब से आप काफिरों की मदद करने जा रहे हैं, क्या ये इस्लाम के हिसाब से सही है। अब हुमायूं ने कहा भैया धर्म संकट क्या किया जाए। इनने कहा यार छोड़ो भैया, कहाँ लगे हो राखी आखी, इस्लाम काफिरों की मदद नहीं करना। लो भैया नहीं पहुंचे ये, और यहाँ बहादुर शाह ने ये फायदा उठाया, रानी कर्णवती ने भैया हंसी हंसी जौहर कर लिया खुशी, बिना टेंशन के, चलो तुमने तो बेइज्जती करवा ली, तुमने अपनी बात के पक्के नहीं होगा, तुम क्या बनोगे राजा। और एक बहुत अच्छा मौका जो इनको मिल रहा था हुमायूं को, कि राजपूत जो समस्या थी वो हमेशा को सुलझ जानी थी, नहीं भैया उसका फायदा उठाया नहीं, ये तो गए चलो ठीक है बाद में फिर से, ये अभी भैया ये दादी माँ है किसकी, महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप अभी इनके बेटे से लड़ेंगे, हुमायूं के बेटे अकबर, है ना, सो वो चलता रहेगा, ये तो वापस से कब्जा जमा लेंगे, लेकिन इनकी तो हालत खराब हो गई ना हुमायूं की, ये तो तभी अपनी दोस्ती बना सकते थे, लेकिन मौका गवा दिया, ठीक है। सो बहादुर शाह तो यहाँ जीतने के बाद, अब भैया वापस जीते, खत्म हुआ, फिर लड़ाई होगी बहादुर शाह और हुमायूं की। सारंगपुर से ये भैया पहुंचे मंदसौर, कहाँ पहुंचे, मंदसौर, और मंदसौर में हुई लड़ाई किसकी, बहादुर शाह की और हुमायूं की सेना की, भंवर कूटा है हुमायूं ने बहादुर शाह, हारने की स्थिति आई तो भाग लिए, बोले बाबा कुटने से अच्छा है, सो ये मंदसौर से मांडू भाग गए, कहाँ भागे, मांडू भागे, मांडू का नाम तो सुना ही होगा मध्य प्रदेश में मांडू, है ना, और ये रानी रूपवती और होशंगजा, प्रेम की कहानी है ना, रानी रूपवती का मकबरा है वहाँ पे, विशाल जहाज महल है, तो बहुत प्राकृतिक सुंदर, जैसे पचमणी है मध्य प्रदेश में वैसे मांडू भी। तो भैया ये मांडू पहुँच गए, अब मांडू पहुँचे तो समझ से ये मांडू पहुँचे कौन,
हुमायूं पीछे पीछे मांडू पहुंचेंगे ना, मांडू पहुंच रहे थे इन्हें फिर समझ में आ गई कि कुटेंगे इधर से। सो मांडू से भागे ये दीप पहुंचे, कहाँ पहुंचे? दीप, दीप समझ रहे, दमन दीप का नाम सुना है गुजरात में, दमन दीप भागे। दमन दीप में उस समय पुर्तगाली आ चुके थे, कौन आ चुके थे? पुर्तगाली लोग आ गए थे। तो पुर्तगालियों से शरण मांग ली बहादुर शाह ने कि भैया बचा लो, कुटेंगे हम इधर बाबर। हुमायूं ने कहा दीप भाग गया ठीक है। तो गुजरात पहुंचे, गुजरात में भंवर लूट मार करी, खूब कुटाई पिटाई, भंवर खूब लूटपाट करी। अपने भाई को क्या नाम है, अस्करी, अस्करी को क्या कर दिया आपने, गुजरात छोड़ दिया कि तुम, आप गुजरात अपन ने जीत लिया है, गुजरात पे तुम राज करोगे। और एक था हिंदू बेग, हिंदू बेग ये सेनापति था, अच्छा खासा सेनापति था, चुनार की जब विजय करी थी शेरगा के समय, तो इसी को भेजा था और इसने जीत दिलाई थी। तो हिंदू बेग को साथ में छोड़ दिया अस्करी के, भैया देख लेना इस बच्चे को कोई समस्या वस्या आए तो समझ लेना। बोले ठीक है। ये वापस दीप पहुंचे हुमायूं की, जाएंगे दीप, लेकिन तभी खबर मिल गई कि नहीं भैया उधर मत जाओ दीप, ही अभी फिर से आक्रमण होने लग गया है। कहाँ पे? शेरखा का। तो अभी शेरखा पिक्चर में आ जाएंगे। फिर वापस से जैसे ये जाते हैं तो कुछ समय बाद वो बहादुर शाह वापस आता है, धीरे धीरे गुजरात को फिर जीत लेता है, अस्करी अस्करी भाग जाते हैं। बेवकूफ़ी की का मतलब क्या मतलब रहा, जबरदस्ती का, ठीक है। लेकिन हाँ बाद में फिर बहादुर शाह भी एक्सपायर हो गए। अभी समस्या जो हुमायूं को आने वाली है वो सबसे बड़ी समस्या है, या तो बेइज्जती होने वाली है, किसकी? शेर खां की, ठीक है। सो शेर खां ने क्या करा कि भाई अच्छा चुनार की लड़ाई तो हमने देख ली थी, चुनारगढ़ की, हिंदू बेग को भेजा था, हार गए थे और यहाँ पर संधि हो गई थी कि ये टैक्स देंगे सारी चीज़ें। तो टैक्स देने के बाद बीच में जब इनने अपने आप को शक्तिशाली संगठन कर लिया, अभी देखना फायदा क्या है कि यार यहाँ हार कौन गया है, ये बहादुर शाह भी हार गया है, तो बहादुर शाह भी देखेगा कि अपना तो दुश्मन है हुमायूं, है ना, और एक किसका, शेर खां का दुश्मन भी हुमायूं। अब ये क्या करेंगे, संगठन में शक्ति है ना, संगठन बनाएंगे, संधि करेंगे। और हुमायूं बेवकूफ़ व्यक्ति था ना, गुप्तचर प्रणाली ढंग की थी ना कुछ, अभी हम बात करेंगे कमियां असफलताओं की, कैसे क्या कारण थे, ठीक है। चलो तो भाई ये अब चुनार में हारने के बाद इनने पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया। 36 की बात है ये, 36 35 36 तक क्या हो गया कि इनकी बेइज्जती हो चुकी है, किसकी? बहादुर शाह। 36 में ही भाई, 1536 में, तब तक क्या किया शेर खां ने, धीरे 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 बिहार और पश्चिम बंगाल उस पर जीत दर्ज कर ली, जीत दर्ज कर ली मतलब जीत गया, और जीतने के बाद महमूद शाह को हरा दिया। महमूद शाह हो गए थे तब तक, मैंने बताया। तो महमूद शाह भी परेशान, अब पूरा बंगाल और बिहार का शासक कौन हो गया? शेर खां हो गया। अब जैसी जी खबर मिली कि भैया ऐसी कंडीशन है, शेर खां ने तो हाहाकार कर दिया, क्योंकि बंगाल का जो शासक था उससे संधि हो गई थी, किसकी? हुमायूं की। अब वो तो मदद की बात तो थी, तो भैया पहुंचे ये लड़ाई करने, कहाँ? शेर खां से। तो शेर खां से अब लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, ठीक है। शेर खां के हम भैया तीन बेटे थे, एक का नाम है जमाल खां, जमाल खां है ना, एक का नाम है खवास खां, और जो पहला व्यक्ति है उसका नाम मैं भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। सो होता कुछ ऐसा है कि देखो भैया चुनार तो नाम आप सभी ने सुना है, चुनार के बाद गोंड एक जगह है आगे पड़ेगी, और एक है तेलियागढ़ी, ठीक है। चुनार में रेवास खां नाम था या कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका, याद रखना, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। सो बड़ा बेटा रहता है। अब जैसे ही हुमायूं को पता चला हुमायूं आएंगे आक्रमण करने, किस पे? शेर खां पे। सो शेर खां ने चुनार दे दिया अपने बेटे को, कहा कि भैया तुम इसको संभाल लो, ठीक है। आया भैया वो आया, और यहाँ लड़ाई होगी, जीतेगा भी। 1537 में लड़ाई होना चालू होगी, 1537 में चुनार पे वापस से जीत दर्ज कर लेता। इतने में पता चलता है कि चुनार हाथ से निकलने वाला है, तो दूसरे बेटे खवास खां को गोंड भेज देता, वो गोंड पे अधिकार कर लेता है, और वहां से खूब जो भी कोच था इकट्ठा करके शिफ्ट कर देता है, ताकि अगर ये आए भी जीत भी दर्ज करें तो उन्हें पैसा ना मिलेगा, भाई पैसा अपन यूज़ कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। सो वो गोंड में आते, बाद में गोंड भी जीत लेते हैं। 1537 में जमाल खां तीसरा बेटा रहता है, वो तेलियागढ़ी में इनसे टकराता है, और कुछ समय महीनों दो महीना, देखो यार ये सारे युद्ध ऐसा नहीं, मैं तो 5 मिनट में बता दे रहा हूँ, लेकिन ये महीने महीने भर बैठे रहे, पूरी तैयारी करते थे, आमने सामने सेना दोनों की ड्यूटी डटी पड़ी है, बस इच्छा नहीं होती थी लड़ेंगे ना लड़ें, लड़ेंगे ना लड़ें, फिर कोई मौका मिलता था लड़ाई होती थी, फिर ऐसा सिलसिला चलता रहता, ठीक है। तो ये पूरा साल भर 1537 ऐसे ही निकल जाना है इनका, फरवरी से स्टार्ट हो गए, ठीक है। जमाल खां ने तेलियागढ़ी का युद्ध करा, और उस युद्ध में
हारने की स्थिति आई तो जमाल खान भाग के पहुंच गए शेर खां के पास, पिताजी के पास, तेलियागढ़ी पे भी ये इनका हो गया क्या कब्जा। अब ये कब्जा हो गया तो अब क्या होगा, अब बिहार तक पहुंच गए, पूरा उत्तर प्रदेश इनने चुनार, उत्तर प्रदेश में गोंड बिल्कुल सीमा पे है, तेलियागढ़ी भी, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश जीत चुके, अब बिहार पहुंचेंगे। ठीक है, सो बिहार में ही चौसा है जगह का नाम, क्या है चौसा, बिहार में चौसा। तो चौसा जो है मैंने आपको बताया था कि बिहार में गंगा नदी निकलती है, गंगा की एक सहायक नदी बिहार में कोसी नदी जो बिहार का सोख कहलाती है, और उस कोसी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जिसको हम कर्मनासा कहते हैं, कर्मनासा। ठीक है, कर्मनासा नदी है, उस नदी ऐसी निकल रही थी तो नदी के आसपास अभी बाढ़ का माहौल था नहीं, तो ये पूरा जो इलाका है ये खाली हो जाता है आसपास का, ये वाला नदी तो ये है, आसपास जब बाढ़ आती है तो वो भर जाता, बाकी तो खाली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नदी की एक साइड इनने अपनी पूरी की पूरी टुकड़ी को, यहाँ पे खाली जगह पड़ी थी मैदान सा लगता है, सो इनने कहा कि काम करो अपन पड़ाव यहीं डाल लेते हैं, यहीं व्यवस्था कर लेते हैं। तो सबने तंबू वम्बू लगा के ये पूरे अपनी सेना को इनने क्या कर दिया, इधर ही चौसा के पास कर्मनासा नदी के किनारे पे इनने अपनी पूरी की पूरी टुकड़ी लगा ली। ठीक है, अब देखो यार फिर यहाँ गलती है हुमायूं की, क्या गलती है कि आप आए हो अब लड़ाई करो यार, आए काय के लिए होकर। सो ये आदमी बड़ी जल्दी तो थक जाता था, आलसी टाइप का, आ गए हैं अब चलो आज थोड़ा आराम कर लेते, कल लड़ लेंगे यार, कल, अरे आज मन नहीं हो रहा, कल नहीं परसों लड़, ऐसे करके 3 महीने इनने आमने सामने सेनाएं गुजार दी। अप्रैल में पहुंच गए थे ये, अप्रैल 1539 की बात है ना, 38 तक ये पूरा खत्म हो गया, 37 से साल वाल लग गए 38 है ना, और ये हार जीत के बाद इनने कहा आगे बढ़ते हैं, तो 1539 अप्रैल में पहुंच चुके हैं कहा चौसा, 2-2.5 महीने से बैठी है सेना, कुछ नहीं कर रही। अब भाई अप्रैल गर्मी वाला माहौल, मई और गर्मी, जून भंवर गर्मी, लेकिन गर्मी के साथ ही वो प्री मानसून वाला सीजन जो भंवर बारिश होती है वही हो गई, वही हो गई, और वो हुई। सो भैया आपका जो तुम अपने साथ तोपे ऊपे लेके आए उसका क्या फायदा, पूरे के पूरे भाई नदी में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो तब वो डूब गए इनके, अब डूब गए तो ये परेशान किया, ये तो गलत हो गया। अच्छा ये देख रहा है शेर का कि अपनी तैयारी हो चुकी सब व्यवस्था और ये लोग परेशान है, अपन तो बोल तैयारी में। जैसे ही उनने देखा कि यार, हुमायूं ने कहा भैया ये जगह हटाओ ऊपर कहीं चलते हैं पानी आनी से हटके, ने कहा तंबू अम्बू उखाड़ो ऊपर ले चलो, हथियार थे नहीं सब तंबू अम्बू लेके रख रहे थे, शेर खाने का आक्रमण और भगा भगा के जो कूटा है आया है उसी नदी में फेंक दिया मार के सबको, हुमायूं को भी भंवर मारा, बेहोश हो गया भैया ये, शेर खां को लगा निपट गया होगा, छोड़ो कहाँ लगे तो नदी यहीं में फेंक दिया, नदी में फेंका तो इनको पता नहीं क्या है होश होश आ गया होगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम निजाम था, क्या नाम था निजाम, वो मल्ला था, मल्ला मतलब जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है ना मल्ला कहते हैं उसको, तो वो निजाम की सहायता, निजाम ने उसकी सहायता कर ली, पकड़ लिया कि भैया ओ निकलो बाहर डूबने वाले थे ये, निकाला उसको बचा लिया और गंगा पार करा के इनको सुरक्षित छोड़ दिया तो ये बच गए, बच गए तो बस इतना धन्यवाद करा एक दिन का, निजाम को राजा बना दिया। ठीक है, जैसे वो नायक मूवी में एक दिन का CM बनता है ना, ऐसे एक दिन का राजा निजाम को बना दिया कि जाओ तुमने जीवन दान दिया। ठीक है, सो निजाम को फिर जे भैया कुट पिटा के बेइज्जती करवा ली, मतलब मर तो गई थे, मर मर के बचे ही हैं बिल्कुल, मतलब बोले मौत को छू के टक से बाहर निकला हूँ मैं, ऐसे ही व्यक्ति हो गया अब। लेकिन ये बेवकूफ़ी थी, डर तो लगने ही लगा था शेर खां से। इनने पहुँचे भैया के पास कि भाई देखो कुटे हैं बबर, तो अस्करी इंदाल ने अपनी संयुक्त सेना इकट्ठी करी, फिर साल भर बाद फिर मिलेंगे ये 1540 में। ठीक है, 1540 में कन्नौज क्या हुआ था कि भैया जैसी हारी सेना तो भागने लगती है सेना, पीछे पीछे भागती है, सो अब शेर खां ने और पीछा कर दिया, ये नहीं कर रहे थे इनने, तो शेर खां ने कहा कि आज जो होगा देखा जाएगा। तो पहुंचते पहुंचते पूरे बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश कन्नौज तक पहुंच गए। कन्नौज में जब तक इनको थोड़ा टाइम मिल गया हुमायूं को, इनने एक सेना इकट्ठी करी, 1540 हो गया था तो बस 1540 में कन्नौज में बिलग्राम में युद्ध होगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहला था वो। सो उस युद्ध में फिर ये दो महीने बैठे रहे आमने सामने, ऐसे ही होता था। अब इतना समय आप दे दोगे विपक्षी व्यक्ति को तो वो क्या करेगा, वो तो भाई आपकी पूरी व्यवस्था देखेगा और देखने के बाद क्या करेगा, उसके हिसाब से काम करेगा। आपको तो भाई आए हो तैयार हो तुरंत अटैक करना है कि उसको समय ही ना मिल पाए, समझ लेगा नहीं, आप टाइम दे देते थे, टाइम दी तो बस
खत्म हो। इतने में फिर कन्नौज में जब युद्ध हुआ तो फिर वही स्थिति हो गई। भगवान के साथ बेइज्जती की बात करें, भाग्यशाली हुमायूं का मतलब होता है, लेकिन ये इसको कभी भाग्य ने साथ दिया ही नहीं। फिर 2 महीने बाद फिर बारिश हो गई, सेम कंडीशन फिर हुई। इसने दिमाग लगाया नहीं कि ऐसी कंडीशन फिर हो जाएगी। भाई यार युद्ध युद्ध कर रहे हो आप, आपका पूरा सेना और साम्राज्य पूरा लगाया उस युद्ध पे, तो आपको थोड़ा तो उस पर रिसर्च करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, फिर से वही स्थिति आई, फिर आपकी तोपें खराब हो गई, एक गोली नहीं चली, कुछ नहीं चला, तोप नहीं चला, यूज ही नहीं हो पाया। शेरशाह ने फिर पकड़ के फोड़ा, भागा भागा के। अब की बार तो फिर शेरशाह ने छोड़ा ही नहीं कि भैया अब तुम जहां मिलोगे जहां तक भागोगे हम पीछा करेंगे और फोड़ेंगे तुमको। सो खत्म कन्नौज के युद्ध में। तो फिर भैया ये बाहर से भारत से ही बाहर निकल लिए, कामरान के पास पहुंचे बढ़िया कि भैया बचाओ यार, अब ये तो आदमी मान ही नहीं रहा सारी चीजें। इंदा लश्करी भी वहीं पहुंचे, इनने कहा क्या करना है भैया अब बताओ तुम। तो चारों ने मिलके कहा कि आपने आए हैं, हमने से नहीं हो पाएगा। हुमायूं ने कहा भैया हमें तो उस आदमी से डर लगता है, नाम से डर लगता है, हमें नहीं लड़ना उससे। बोले ठीक है। सो कामरान और अस्करी पहुंच जाते हैं कहाँ पे, अफगानिस्तान है ना, और सिंध में पहुंच जाते हैं। कौन ये लोग रुक जाते हैं। फिर कुछ समय बाद फिर इनको डर लगने लगा कि ये बास में और आएगा, तो फिर निकल लेते हैं कहाँ, कामरान के पास पहुंचते हैं। तो कामरान सपोर्ट करता नहीं, बोले भैया हमें मतलब है नहीं तुमसे, रहन दो यार, तुम्हारे चक्कर में हम और कुटेंगे फालतू में, हम नहीं जानते कुछ। सो भगा दिया उसको, कामरान ने भी भगा दिया, तो कोई सपोर्ट था नहीं। तो ये ईरान पहुंच जाते हैं, ईरान में तहमास शासक रहते हैं, ईरानी शासक जो सिया धर्म को मानते थे। तो अब भैया उनके दरबार में पहुंचते, शरण मांगते हैं कि भैया बचा लो यार, वो व्यक्ति तो ऐसा है वैसा है फलाना डिमाग है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है भैया रह लो, तुम परेशान ना हो सारा। फिर वो उनका सपोर्ट भी करते हैं है ना, उनकी बेटी से शादी भी करते हैं हामिदा बानो से, 14 साल की बच्ची रहती है। शादी करने के बाद बस फिर अभी होंगे अकबर, ठीक है सो अकबर हो जाएंगे बाद में, काला नौर में अकबर होंगे। फिर सारा है, फिर माहौल धीरे धीरे, अब जो ईरानी साजा के सपोर्ट कर रहे थे सब धीरे धीरे, क्या है 1540 में तो मुगल सल्तनत खत्म हो जाती है कुछ समय के लिए। शेरशाह जो है 1539 में जब ये युद्ध जीतता है, कौन सा चौसा वाला, तो शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। किसकी, शेर शाह की है ना, शेर शाह सूरी, सूर था तो की स्थापना कर देता है। फिर भैया ये 1545 में शेर शाह भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो 5 साल तो इतना खौफ रहा हुमायूं को, किसका, शेरशाह के नाम का, कि नाम से कांपता था। लेकिन जब शेरशाह एक्सपायर हो गया तो फिर इनने थोड़ी दमखम लगाई और फिर अपने आप को संगठित करा। और सपोर्ट किसने कर दिया, वो ईरान के शासक ने। तो भाई शासक ने सपोर्ट किया, धीरे धीरे इनने फिर से जीतना चालू किया, कामरान का शासन भी जीत लिया। बोले अब तुमने साला हमारी मदद तो करी नहीं समय पे। तो बस कामरान को भी हटा दिया, इंदा लश्करी वाला भी, धीरे 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 ये पाकिस्तान वाले हिस्से पे पहुंच जाते हैं। इतने में समय 10 साल और निकल जाता है, 1555 तक। तो ये मान के चलिए कि सूरवंश में तो आपसी फूट और सब कुछ हो गया था, आलम शाह और सिकंदर शाह है ना, आदिल शाह और सिकंदर शाह, ये 2 भाई थे जिनको 2 भागों में इंडिया जो है बांट दिया था, पूर्वी और पश्चिमी, इधर आदिल शाह इधर सिकंदर शाह। तो सिकंदर शाह सूर से युद्ध होता है और उसको बोलते हैं सर हिंद का युद्ध, ठीक है। सो सर हिंद के युद्ध में 1555 में ये जीत दर्ज कर लेते हैं और इसी के साथ दिल्ली पे फिर कब्जा कर लेते हैं। जैसे ये कब्जा कर लेते हैं दिल्ली पे, फिर से मुगल सल्तनत आ जाती 1555 में। लेकिन ज़्यादा समय तक ये रह नहीं पाते दिल्ली में, फिर वही जो दीन पनाहिन ने बनाया था शहर, उसी में फिर ये पुस्तकालय का निर्माण कराते हैं, शेर मंडल उसको नाम देते हैं और उसमें दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जो गलतियाँ करी हैं अब वो फिर से करेंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा। तो अब पढ़ाई लिखाई कर ले पहले, पढ़ाई लिखाई इसीलिए ज़रूरी रहती है। सो ये पढ़ते रहते थे, एक दिन भैया फिसल के भंवर से गिरे 4th मंजिल से, लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क जाते हैं और भाई ख़त्म हो जाती है इनकी कहानी। जनवरी में कुछ लोग बोलते हैं 26 जनवरी, कोई 27 जनवरी, कोई 1 जनवरी, तो सबकी अलग अलग है, कोई 30 जनवरी बोलता है, लेकिन हम तो जनवरी बोल रहे हैं। तो जनवरी 1556 में इनकी हो जाएगी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने, और इनका बेटा जो है वो 13 साल का हो गया था तब तक, उसको फिर शासक घोषित कर दिया जाता है बैरम खां के द्वारा। बाकी वो बेटे और इनके बीच की जो कहानी है वो मैं आपको अकबर के समय में बताऊंगा कि क्या क्या सारी चीज़ें रही सब, ठीक है। अकबर से हम रिलेट करके इसको फिर जोड़ेंगे अगली में। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे यहाँ इसके व्यक्तित्व का, हुमायूं के व्यक्तित्व का, हम मूल्यांकन करेंगे कि यार एक्चुअली था कैसा ये व्यक्ति, कहाँ कमियाँ रह गई, सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे इस व्यक्ति विशेष की, किसकी, इस व्यक्ति की, शेरशाह। क्योंकि ये एक ऐसा शासक था, भले 15 साल ही सूर साम्राज्य चला है, लेकिन
इतना शानदार व्यक्ति था, बहुत सारी व्यवस्थाएं इसने करवाई। अफगानी शासक था, बावजूद इसके अकबर ने भी इसकी सारी प्रणाली को अपनाया। ठीक है, सो अकबर जिसकी प्रणाली को अपना रहा है, और अकबर को हम सम्राट भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसका समय अच्छा भी मानते हैं, स्वर्ण युग भी मानते हैं, है ना। तो इसने जब फॉलो करा शेरशाह सूरी को, तो कुछ तो प्रशासनिक और सारी की सारी व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कुछ तो ऐसा करा होगा कि तभी तो फॉलो कर रहे हैं। तो क्या था वो पूरा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, शेरशाह सूरी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।